झारखंड विधानसभा में नमाज कक्ष के आवंटन को निरस्त करने के लिए सोमवार को विश्व हिंदू परिषद ने उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। विश्व हिंदू परिषद के धनबाद जिला महानगर अध्यक्ष हनुमान प्रसाद सिंघल ने कहा कि झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के आदेश से विशेष समुदाय को नमाज कक्ष आवंटित किया गया है, जो असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार फूट डालो शासन करो की नीति अपनाकर समाज के बीच द्वेष फैला रही है। ये ज्ञापन हमने धनबाद उपायुक्त को सौंपा है ताकि इनके जरिए हम लोग राज्यपाल को दे सके कि ये जो आवंटन किया गया है एक विशेष समुदाय को देखते हुए, वोट बैंक की राजनीति करते हुए, क्या आवंटन किया गया है, ये जो कक्ष आवंटन किया गया है नमाज पढ़ने के लिए, इसको निरस्त करने के लिए ये ज्ञापन हम लोगों ने सौंपा है धनबाद उपायुक्त को। और ये सिर्फ झारखंड में इस तरह की राजनीति देखी जा रही है, बाकी देश भर में कहीं भी विधानसभा में इस तरह की राजनीति नहीं किया गया है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।